मतलब है तुम्हारा क्या? तुम गैबी ताकतें हासिल करके दुनिया को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते, और इसी मकसद के लिए तुमने आज उस बच्चे को अगवा करने की भी कोशिश की। तुम ये कैसे जानते हो? कौन हो तुम? जिन ताकतों की तुम्हें तलाश है वो मेरी गुलाम है। तुम हो? हमेशा तुम्हारे सिर्फ किस्से ही सुने थे। दुनिया कहती थी कि तुम कोई ख्याली किरदार हो, लेकिन आज तुम मेरे सामने हो। मुझे अपनी गुलामी में ले लो बाबा बालाम। से सुनो, मैं मंगू
आज से यहाँ का बादशाह, ये दौर मेरा महल और तुम लोग मेरी आवाम। और अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है। बकवास बंद करो, क्या समझते हो तुम? ये तमाशा दिखाकर हमें डरा सकोगे? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। बस्ती से क्या फायदा उठा सकते हैं? छोटे छोटे इलाकों में जितने भी बड़े मसले पैदा हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे काम के लिए यही सबसे महफूज जगह है। क्या करेंगे हम यहाँ? तुम्हें ताकत चाहिए और मुझे इसकी हिफाजत। ये क्या है? ये है तमाम बुरी ताकतों की कुंजी। इसे हाथ लगाने की गलती कभी मत करना। ये सिर्फ मेरी जागीर है। तुम सिर्फ इसकी हिफाजत करोगे। हिफाजत? लेकिन किससे? जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना मंगू, जब तक ये कुंजी यहाँ है तब तक तुम्हारी ताकत बढ़ती रहेगी। इस कुंजी की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करनी होगी तुम्हें, वरना हर ताकत से महरूम हो जाओगे। मैं इसे लेने वापस जरूर आऊंगा। और इस तरह मंगू ने सच की एक आवाज खत्म करके लोगों के दिलों में अपना डर पैदा किया, और इसी डर ने उन्हें उसके सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। मंगू ने इस डर को हमेशा कायम रखने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, जो बस्ती में लूट मार करते और मंगू की दहशत जमाए रखते। मंगू इस दहशत के पीछे अपनी शैतानी ताकतें बढ़ा रहा था। किसी ने कभी इसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत ना की, और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से रोशन नगर का नाम मिट गया और ये बस्ती अंधेर बस्ती बन गई।
का सारा स्टॉक उठ गया है। सब काम ठीक हो गया। अच्छा माल हाथ आया। दुकानदारों से वसूली कर ली है। कितनी बार मना किया है कि इस टावर से दूर रहो। लेकिन अम्मी मैं तो बस उन गुंडों को बस कह दिया ना मैंने कि तुम इस टावर की तरफ ध्यान नहीं दोगे। चलो नीचे अब। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं कहीं और घर ले Thank you.
वो भाग रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं। लेफ्ट साइड में बंदूकों में गोलियां नहीं डाली। मैंने तुम्हें कहा था गोलियां डालने को। अभी तुम्हारी बारी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। बजिया खेल खत्म हुआ बच्चों। ओ, मेरे साथ रेस कौन लगाएगा? रेस ले कैसे की? शायद हमने कोई ख्वाब देखा था। कहते हुए आ गए होंगे और वैसे भी वो यहां से कुछ लेकर नहीं गए। तुम नहीं जानते वो क्या ले गए हैं। उन बच्चों की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। वो नहीं बचेंगे। वो न बचे यही बेहतर है तुम्हारे बचने के लिए। जाओ ढूंढो उन्हें। यहां से आता है। अगर हम उसे किसी तरह से इस तरफ ले आए तो वो कहीं नहीं भाग सकेगा। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही वो सामने से अंदर आएगा हम पीछे से बकरी की आवाज निकालेंगे। हाँ? उससे क्या होगा? अरे यार बकरा तो बकरी की ही आवाज पे आएगा ना। छोड़ो यार तुम्हारा नाम सन्नाटा है ना, तुम नहीं समझोगे। ओए चपटे वो आ गया। चल 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 जल्दी आवाज निकाल। क्या मैं निकालूं? अब जो बोले तो वही कुंडी खोले। मैं वो सुन रहा है। अरे मां चपटी
रुक क्यों गया? चपटे, जरा कैरेक्टर में आके आवाज निकाल यार। मंगू स्टार गुस्से से भरा बैठा है और तुम लोग यहाँ बकरा बकरी खेल रहे हो। अगर कल शाम तक वो बच्चे ना पकड़े गए तो तुम सबके गले में रस्सी डाल के घास खिलाऊंगा। चूजा नजर आ गया है, पिंजरा तैयार कर लो। पहचान लिया है, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा पतीली, अब गौर से सुनो। तुम धीरे धीरे चलते हुए जाओगे उस बच्चे के पास। तुम दोनों हाथों से उस बच्चे को पकड़ोगे और उसे उठा के मेरे पास लाओगे। समझ आई? कितने की है? 15 की 5। क्या? ये तो बहुत महंगी बता रहे हैं आप, थोड़ी तो सस्ती करें। मुझे भी चाहिए। सब कुछ आपका है, सब ले ले। बस यहाँ भी नहीं तो फिर फेंकने की जगह है। थैंक यू, थैंक यू। अरे
तुम लोगों को पता नहीं आज क्या हुआ है मेरे साथ। मंगू के गुंडे ने तुम्हें भी पकड़ने की कोशिश की। कोशिश? उन लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया था। उनकी तो पहले मेरा सूटकेस चुराया, अब मैंने दोस्तों को पकड़ने की कोशिश। आज उनकी खैर नहीं। कामिल अभी जोश से नहीं होश से काम लो। पहले हमें उनका पता लगाना है जिन्होंने हमें बुलाया और ये पावर्स दी। और शायद वो हमसे कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उसके लिए तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक बार जा सकते हैं तो दूसरी बार भी जा सकते हैं। तो जी आज शाम 7 बजे आप सब कामिल दादा को भरपूर एक्शन में देखेंगे। इसे मैं मारूंगी या तुम? दोनों को मारने की क्या जरूरत थी? हेलो गबरू, तुमने कुछ खाया? क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया? कोई बात नहीं, आज हम गबरू कैंडी खाएंगे और बहुत सारी खाएंगे। ये देखो अंधेरी बस्ती, गबरू कैंडी खाएगा। ये गबरू कैंडी 1 रुपए की 10। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सुना तुमने गबरू, आज हमारी बादशाहत है। गबरू अंकल रुकिए, गबरू भी टॉफी खाएगा। रुकिए रुकिए। बच्चा तुम लोगों से नहीं संभलता। बोरी तो धो डाल दे। बदबू से याद आया, मुझे वाशरूम भी जाना है। तुम्हारे घर में वाशरूम है ना? वो लेट हो गया है। बड़ा डरपोक निकला, सुबह तो बड़े भरम दिखा रहा था। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और एक बच्चे को पकड़ लिया है, बाकी दो खुद ही आ जाएंगे और दूसरा आपके हुक्म के मुताबिक अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। जब मैं बोलूं तब भाग लें। ठीक है, अब अरे तुम्हें कोई आवाज आई? हाँ यार, लगता है उस तरफ से आवाज आई है। हमें जाके देखना चाहिए। वो दोनों इतने बुद्धू थे? कामिल
बेगम साहिबा, पहले मैं आया। नहीं नहीं, पहले मैं आई थी। अरे इसमें तो पानी नहीं आ रहा। क्या? मंगू के हुक्म से अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। मैं तो सिर्फ नहाना चाहता था। मुसीबत कर दी है यार, कोई पूछने वाला नहीं है। सुना है वो मोटर से पानी खींच कर आगे भेज देता है। पानी बंद करने का कहा था और हमने बेचना शुरू कर दिया। जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए। क्या बात है उस्ताद। सन्नाटा भैया, सीखो इनसे कुछ। हम तो पानी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मंगू को ये पानी बिजली वगैरह बंद करने से क्या फायदा होता है? वो तो हमेशा बड़ा हाथी मारता है। हमारे बड़े काम इन्हीं छोटे छोटे कामों के पीछे होते हैं। क्या मतलब? लोगों को इन मामूली मसलों में इतना उलझा दो कि वो हमारी किसी बड़ी हरकत की तरफ ध्यान ही ना दें। मंगू का यही मकसद है। हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमें क्या करना उनके बड़े काम और इनके छोटे मसलों से? हमारी तो कमाई चालू है ना। तुम कैसे पकड़े गए? वैसे तो बड़े शेर बनते हो। मैं तो गुबरू से सब खेल रहा था, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। हम लोग एक को बाहर रहना चाहिए था। अब तो फंस गए, निकलने की सोचो। सुनो, ये आवाज कैसी है? शायद मुझे पता है। वो देखो। ब्लेड से कट के निकलेगा। मगर वो नहीं जो मेरी स्पीड से गुजरे। आमना, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रही हो? हजरत, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पतीली। सादी, नजर आ गया, मुझे आगे फेंको। अगर ये तो कहना लगा तो मैं अपना नाम बदल रहा हूं।
ये मेरे पापा के लिए था और ये कामिल दादा के लिए है। ओए कामिल दादा, क्या मेरा ताज, तुम कहाँ थे इतने अरसे तक? कामिल दादा ने तुम्हें बहुत मिस किया। खुर्शीद साहब, आमना और सादी आपकी तरफ आए हैं क्या? नहीं जनाब, खैर तो है सब जी। बस वो आमना शाम को ये कहकर गई थी कि सादी और कामिल के साथ कहीं जाना है, सादी की वालदा भी परेशान है, लिहाजा मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ, सोचा कि आपकी तरफ आए हों दोनों। अरे जनाब, कामिल तो स्कूल से अब तक घर नहीं आया, दिन भर खेल कूद में लगा रहता है, आज आता है तो उसकी खबर लेता हूँ। मैं उन्हें पार्क की तरफ जाके देखता हूँ, शायद वहाँ हूँ। ठीक है जी। ओए छोटे, उस टेबल पर कपड़ा मारो, जाके ठंडा पानी रख। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज़ नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब आगे नहीं बढ़ना, जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले। उस पंखे में भेगो जल्दी। टावर से आई है। Thank you.
सारी दर्द भी छोड़ दो कामिल। चार कदम सीधे हाथ पर और रफ्तार भी। जगह है ये, जन्नत है या जहन्नम? कैसी बातें कर रहे हो कामिल? मुझे लगता है ये पहली बार सही कह रहा है। हम उस मोटर के नीचे आ गए थे और अब ऊपर। घबराओ नहीं बच्चों। मैं कहा था ना तुमसे कि अभी उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन अब लड़ सकोगे, उनके हर धुन का मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। आप चौकीदार नहीं है? चौकीदार ही हो गई, लेकिन इस कुंजी का जिसमें बेशुमार पावर्स है। कैसी पावर्स? जैसी तुम्हारे पास है वो ही पावर्स। यानी जो पावर्स हमारे पास हैं वो आपने हमें दी हैं? हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों ने इन पावर्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया, लिहाजा अब मैं तुम्हें मजीद पावर्स दूंगा ताकि तुम लोग मंगू का मुकाबला कर सको। अब कौन सी पावर मिलेगी? कौन सी पावर्स? सितारों से आगे तेरा जहान हो जाए। कामिल तू कर ना कुछ ऐसे कमाल, जो देखे तुझे वो हैरान हो जाए। हिफाजत की जिम्मेदारी ली और खूब निभाई भी। तुम कामिल को बचाने टावर गई, तेज धार पंखे से बेखौफ निकल गई और उन बच्चों को रेस लगाती बसों से भी खूब बचाया। बहादुर भी हो तुम हो बहुत तेज। जीत ना पाए कोई, कर हो तुम से रे, कर सकोगी तुम अब हर मुश्किल का सामना। एक खास तोहफा तुम्हें देता हूं अपना। वाओ, मेरी पावर ज्यादा अच्छी है, ये देखो। सादी, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे स्पेशल पावर है और वो है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें पहेलियां पूछने का बहुत शौक है, तुम्हारी नई पावर भी तुम्हारे लिए पहेली होगी। कायनात में छुपी एक अनदेखी दीवार, कोई ना जाने क्या है उसके पास। जो कुछ वहां गया वापस आया नहीं, फिर ना कहना शादी के कुछ समझाया नहीं। ब्लैक होल, रोजनेसिया, जिसे अंग्रेजी जबान में ब्लैक होल भी कहा जाता है। बहुत खूब, पावर्स तो तुम तीनों को मिल गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई मंगू से नहीं
بلکہ اس برائی سے ہیں جو منگو جیسے لوگوں کو برے کاموں کے لیے طاقت دیتی ہے۔ اگر تم نے اس برائی کو ختم کر دیا تو منگو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ جوش میں آ کے کوئی غلطی مت کرنا، تمہارا جوش تمہاری طاقت ہونا چاہیے، کمزوری نہیں۔ ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اتحاد میں ہی تمہاری جیت ہے۔ ان طاقتوں سے زیادہ اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا، چاہے کیسی بھی صورتحال ہو اپنے غصے کو اپنی عقل پہ حاوی مت ہونے دینا۔ چلو بچوں، میرا کام تو ختم ہوا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں، کب سے ہوں؟ سادی ہوش میں آؤ۔ آمنا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھوڑا آہستہ بولو، میرے کان ویسے ہی بج رہے ہیں۔ منگو اتنی بھی بری شکل نہیں ہے یار، گھبرو۔ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور دینو چاچا کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ بابا جی، یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت اور اپنے اسکول کے کپڑوں میں کیوں؟ اچھا اچھا، کل سادی بتائے گا آپ کو۔ میں سادی سے نہیں، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، گبرو بتائے گا آپ کو۔ کامل، آمنا یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ میں کامل کو بچانے سادی کے ساتھ ٹاور میں گئی تھی، وہاں منگو اور اس کے گنڈوں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم اپنی سپر پاورز استعمال کر کے بھاگ گئے۔ ہم تینوں کے پاس ایک ایک سپر پاور۔ خاموش، اپنے باپ سے جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر تم میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں۔ لیکن آمنا میری بیٹی ہے اور میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس کا مطلب ہمیں یہاں سے فوراً چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ منگو اور اس کے گنڈے ہمارے بچوں کا پیچھا کریں۔ بابا جی، میرے کال تو چھوڑ دیں۔ شادی، یہ جو پاورز کے بارے میں سنا وہ ٹھیک ہے کیا؟ جی امی۔ کان کھول کے سن لو، ایسی کسی پاور کا استعمال نہیں کرو گے تم۔ لیکن امی، بس کچھ نہیں سننا مجھے، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، نہ کسی سے ڈر کے اور نہ ہی اپنے فرینڈز کو مصیبت میں چھوڑ کے۔ بیٹا تم کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ بھی تو سمجھیں، ہمیں یہ پاور نیک مقصد کے لیے ملی ہیں، ظلم کو مٹانے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، اور اب یہ مقصد ایک ذمہ داری ہے ہم پہ، اور اگر میں اس ذمہ داری سے بھاگا تو ساری زندگی سر نہیں اٹھا پاؤں گا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں، تم نہیں جانتے کہ کیا نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا بتائیں مجھے، میں جاننا چاہتا ہوں آخر اب کیوں اس ٹاور سے اور ان بزدلوں سے اتنا ڈرتی ہے؟ امی پلیز پلیز بتائیں مجھے، کچھ تو بتائیں۔ کیا واقعی ان بچوں نے منگو سے پنگا لیا ہے اور ان کے پاس سپر پاورز بھی ہیں؟ نہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ یہ سچ ہے اور اب انہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہمیں چھوڑ دو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود انہیں بستی سے نکال لیں گے۔ نہیں، تم لوگ انہیں نکالو گے نہیں بلکہ میرے پاس لاؤ گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر پوری بستی کو رات کا ڈھیر بنا دوں گا۔
भाई साहब आप ही कुछ समझाएं इसे, मेरी तो कोई बात नहीं सुन रही है। मेरे ख्याल में ये ठीक कह रही हैं। भले इन बच्चों को कोई पावर मिल भी गई हो लेकिन हैं तो ये बच्चे ही, सिर्फ इन पावर्स के भरोसे ये मंगू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाबा हम तो। तुम चुप रहो कामिल, अभी बड़े बात कर रहे हैं। आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके बच्चे आपकी मुखालिफत करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तीनों आम बच्चे नहीं हैं, इनमें कोई खास बात जरूर है जिसकी वजह से इन्हें ये पावर्स मिली हैं, और वो है इनकी बहादुरी। मैं भी शायद इन पावर्स पे भरोसा ना करूं, लेकिन हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना होगा। अगर आज हमने इनकी इस जोशो जज्बे को दबा दिया तो पता नहीं हमारी कितनी नस्लें यूं ही जुल्म सहती रहेंगी। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? इन बच्चों को मंगू के पास जाना होगा वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब आगे नहीं बढ़ना, जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले। ना ही हाथ साफ करोगे? Thank you.
निकल लो बेटा पतली गली से, वरना बवाल जूते पड़ेंगे। दिमाग चलाओ तो बेहतर होगा। दिमाग से ज्यादा मेरा हाथ पांव चलाने का मूड है, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। तीन बहादुर और इतने बेवकूफ, खुद ही अपनी मौत के पास चले। साल पहले बाप न कर सका, वो आज बेटा करने आया है। क्या मतलब? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप का क्या अंजाम हुआ था? आज जान जाओगी। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारे बाप की तरह। Gabru!
ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने दे। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हुई ना सादी दादा वाली बात। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। तुम लोग किसी भी तरह मंगू को यहाँ बिजी रखो, मुझे अपनी 100% पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जब तक हम मंगू के साथ बंस पाई खेलेंगे। पीछे हट जाओ गबरू, अभी बहुत जोर से धमाका होने वाला है।
बेटा, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन बाबा, हमें अपने असाइनमेंट के लिए अंदर जाके फोटोग्राफी करनी है। मैंने कहा ना, इसके आगे नहीं जा सकते। तुम लोगों को जो भी तस्वीरें लेनी है यहीं से लो। अंधेरा भी होने वाला है। क्या हो गया? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर कोई है। तुम तो ऐसे ही यार बस डरते रहते हो। कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। चलो चलो, जल्दी करो और वापस जाओ। I have you now.